आज हम लोग जनाब शाहिद माहौली साहब डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट को याद कर रहे हैं। आज के इस जलसे की सदारत फरमाएंगे जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब, जो अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली शाखा के सदर हैं। कलीदी खुतबा होगा जनाब अब्दुल रहमान साहब मारूफ एडवोकेट। इजहार ख्याल में प्रोफेसर सादिक साहब शाहिद साहब के बहुत ही दरीना दोस्तों में हैं, और ये समझिए कि उनके भाई की तरह से थे, और रोज़ाना इनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, रोज डेली इनकी मुलाकात होती थी। उस दौरान खुर्शीद साहब ने भी एक अरसे तक शाहिद माहौली साहब के साथ में काम किया है, मेरे ख्याल से 30 या 35 साल का उनका साथ रहा है। इसी तरह से हमारे शाहिद इकबाल मसूद फारूकी साहब का भी शाहिद साहब के साथ जो है मेरे ख्याल से 30 या 35 साल का जो है साथ रहा है, 40 साल का बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से 30 बरस का या 28 बरस का मेरा भी उनके साथ में जो है, मैंने भी उनके क़यादत में काम किया है। तो आज बहरहाल वो हमारे दरमियान नहीं है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी याद में एक शमा रोशन होनी है, तो मेरी दरख्वास्त है जनाब अब्दुलरहमान एडवोकेट साहब, अनिल ओबराय साहब, इकराम मिर्ज़ा साहब, प्रोफेसर सादिक साहब, जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब, जनाब खुर्शीद साहब, हाजरे साहिबा, आप तशरीफ लाएँ और शमा रोशन फरमाएँ। यह है कि कलाम शाहिद माहौली उसमें पेश किया जाएगा। आज के गज़ल सिंगर हैं जनाब धीरज कुमार साहब, हारमोनिका पर रहेंगे जनाब अनिल ओबराय साहब, निज़ामत फरमाएंगे मोहतरमा रेखा साहिबा। हम मेरी सभी से दरख्वास्त है कि शमा रोशन फरमाएँ। मेरी बहुत एहतराम के साथ आज के इस जलसे के साथ जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और आज के जलसे की सदारत फरमाएं। मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान एडवोकेट साहब से भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। मोहतरम प्रोफेसर सादिक साहब से बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब खुर्शीद आलम साहब से भी दरख्वास्त है, वो हमारे अंजुमन के मेंबर हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, वो बल्कि सेक्रेटरी हैं हमारी अंजुमन के, उनसे दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा हाजरा साहिबा से भी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। गालिब इंस्टीट्यूट और अंजुमन तरक्की दिल्ली शाह की एक रिवायत रही है कि वो अपने मेहमानों के इस्तकबाल फूलों से करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब अब्दुल तौफीक साहब से कि वो जनाब खुर्शीद आलम साहब की खिदमत में फूल पेश करें। मेरे जनाब मुश्ताक अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर साजिद साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। मोहतरमा यास्मीन साहब से दरख्वास्त है कि वो मोहतरमा हाजरा साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि वो जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश फरमाए। और मैं तमाम हाजरीन की जानिब से जनाब अब्दुलरहमान एडवोकेट साहब की खिदमत में फूल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा
मत कीजिए, ये शायद अखलाकी हद तल्फी होगी और रहमान साहब ने भी ये महसूस किया और कहा, तो मैं आप सब हाजरीन की जानिब से डॉक्टर इजलीस को फूल पेश कर रहा हूँ। तालियां कहाँ पे डायरेक्टर हैं? काबिल सर एहतराम अब्दुल रहमान साहब, आली जनाब प्रोफेसर सादिक साहब, जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब, जनाब खुर्शीद साहब, मोहतरमा हाजरा साहिबा, प्रोफेसर शाहिना तबस्सुम साहिबा, जनाब शेख फातमी साहब, जनाब इकराम मिर्जा साहब, जनाब धीरज कुमार साहब, जनाब अनिल ओबराय साहब, मोहतरमा रेखा साहिबा और मौजूदा हाजरीन, अच्छा भाई मोहम्मद अली शाहिद साहब और अमीर अली साहब और उनकी मेरे ख्याल से बहू हैं, उनका इस्तकबाल है। नगीन बानो कहाँ है? चलिए आप सब लोगों का बहुत इस्तकबाल है। और ये वो बच्चे हैं दोनों, एक छोटे बच्चे शाहिद साहब के कि जितने इनके बेटे हैं यहाँ, इनके मोहम्मद अली शाहिद के जो साहबजादे हैं, ये उस वक्त इतने ही बड़े थे जब मेरे शाहिद साहब के यहाँ आना जाना हुआ और मेरे को खिलाए हुए हैं दोनों बच्चे। बेटियाँ तो थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन दोनों बच्चे छोटे थे और इतने ही बड़े थे गालिबन कि जब हम लोग शेख सराय जाते थे और इन बच्चों को हम लोगों ने गोद में खिलाया है। शाहिद माहूली, नाम शाहिद हुसैन रिजवी, तखल्लुस शाहिद। जनाब सैयद शाहिद माहूली आजमगढ़ के मर्दों के कस्बा माहुल में 1 मार्च 1943 में एक शरीफ और इल्मी खानवादे में पैदा हुए। शाहिद माहूली का शुमार उन चंद अहम शोरा में होता है जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना नुमाया मकाम हासिल किया। आपने अपनी शायरी में इब्तदाही से एक संजीदा और शुस्ता उसलूब को फरोग दिया। आपने अपने आप को तरक्की पसंदी, जदीदियत और माबाद जदीदियत के असरात से खुद को महफूज रखने की कोशिश की और अपनी अलग राह मुतय्यन की। शाहिद माहूली का अदबी सरमाया शहर खामोश है जो 2010 में अदबी मंजिल नामे पर आया, जिसे आज भी इल्मी दुनिया में इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। शहर खामोश है में दो अहम और उर्दू दुनिया के मोतबर नाम प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब और प्रोफेसर शमीम हनफी साहब की तहरीरें भी शामिल हैं जो खुद उनकी अहमियत में एक अहम रोल अदा करती हैं। जो लोग शाहिद माहूली को करीब से जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि वो एक खामोश तबीयत इंसान थे। शाहिद माहूली की तख्लीकी सफर की सबसे खास बात उनकी फने शायरी के तई ईमानदारी है। आज हम जिस शख्सियत की याद में यहाँ जमा हुए हैं उनके इल्मी सफर की तारीख बहुत तवील है। उन्होंने 1989 में इंटरनेशनल कांग्रेस की तारीख किताबी शक्ल में पेश की, उर्दू का अहम रिसाला मेयार भी निकाला जिसे इल्मी दुनिया में खूब पजीराई हासिल हुई। जनाब सैयद शाहिद माहूली साहब का गालिब इंस्टीट्यूट में 1978 में तकर्रुर हुआ और उनका सफर आगे मंजिलें तय करते हुए 1998 में गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की हैसियत से मुंतखब हुए। अपने ज़माने में शाहिद साहब ने मियारी सेमिनार, मुशायरे, शाम गज़ल और दीगर तकरीबात मनक़द की जो आज तक हम लोगों को बहुत याद है। उन्होंने करीब 60 या 65 किताबें मुरतब की हैं जो गालिब इंस्टीट्यूट और ख़ुद उनका एक मियार पब्लिकेशन था उससे वो शाया हुई है। गालिब शाहिद माहूली साहब का जो दौर है वो गालिब इंस्टीट्यूट का जदी दौर है, उससे खुशहाल दौर मेरे खास उससे कबल भी नहीं रहा है और मेरे खास साहब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो नहीं हो पाया था। शाहिद माहूली बहसियत मुसन्निफ उन्होंने 12 किताबें जो है तहरीर की हैं और बहसियत मुरतब 109 किताबें हैं जो आज भी अदीब दुनिया में अहम मकाम रखती हैं। उनमें से कुछ जो मैंने कुछ यहाँ
जो मुझे याद है, मैंने वो लिख ली, बाकी नहीं लिख पाया हूँ। अक्सर उलिमान अक्सर जहते निदा फांदी पर है शहर में गांव, दीवारों के बीच दीवारों के बाहर, कैफी आदमी अक्सर जहते नई गुलिस्ता हिस्सा अव्वल हिस्सा दोयम, फैज अहमद फैज अक्सर जहते मंजर पस मंजर, मजारात गालिब व ज़ौक, रंग सब रंग। तो ये उनकी किताबें, और एक उन्होंने सबसे आखिर में अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली शाख का एक अखबार जनरल उन्होंने शुरू किया था सुबह उर्दू, जो उनकी हयात तक जारी रहा, और हम लोग उसको जारी नहीं रख पाए हैं। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि उसको जारी करें दोबारा से, और वो फिर वो अदबी खिदमात अंजाम देता रहे। अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ जनाब खुर्शीद आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने और शाहिद साहब के बारे में कुछ कलिमात शेयर फरमाएं। सबसे पहले तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जहाँ तक उर्दू से मेरा ताल्लुक ज़ाती तौर पर लिखने के मामले में या कहीं बोलने के मामले में नहीं, क्योंकि मैं अकाउंट्स और ऑडिट का हाजिर था, और उसके बाद जो है जो कुछ भी अपने तालिब इल्म के ज़माने में उर्दू सीखा था पढ़ा था, आहिस्ता आहिस्ता गायब होता चला गया। शाहिद हुसैन रिजवी साहब से मेरी पहली मुलाकात ऐवान गालिब में हुई थी, गालिबन अप्रैल या मई का महीना था, गालिबन अप्रैल या महीना मई का महीना था, और वो 1900 में वो शहबाज हुसैन साहब के साथ यहाँ तशरीफ लाए थे, और उस वक्त के डायरेक्टर हसन नईम साहब से मुलाकात का इरादा था। उधर हसन नईम साहब के भाई का इंतकाल 2 दिनों कबल ही पटना में हो गया था, और उस सदमा की वजह से हसन नईम साहब की भी तबीयत अलील हो गई थी, इसलिए वो लंच के वक्त अपनी रहायशगाह में आराम करने के बाद तकरीबन 3 बजे के बाद वापस आया करते थे। यही बात मैंने शाहबाज साहब को बताया, बाद में हसन नईम साहब से मेरी शिकायत करने लगे तो हसन नईम साहब ने भी उनसे फरमा दिया, मेरा ही बताया हुआ हुक्म जो है उन्होंने आपको रखा था इस वजह से। उसके बाद से ऐवान गालिब में शाहिद साहब का भी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हुआ, और हसन नईम साहब से दोस्ताना ताल्लुका उन्होंने कायम किया। शाहिद हुसैन रिजवी साहब उसके बाद से अक्सर वेस्ट शाहिद साहब से करीम होटल के गलियों में भी मुलाकात, करीम होटल के इर्द गिर्द मुलाकात होती रही, और कुछ शोरा हजरात के साथ भी वो कभी कभार वहाँ पर मिल जाया करते थे। जहाँ तक मुझे याद है, शाहिद माहजी साहब गालिब इंस्टीट्यूट में 1978 ईस्वी में बहाल किए गए थे। शाहिद माहजी साहब का तखय्युल सिर्फ शायराना ही नहीं था, बल्कि अपने हलका में बहुत वसी दर्जा हासिल करना भी था, और वो उसी जफा कशी में लगे रहे, और गालिब इंस्टीट्यूट में रहकर अपनी नुमाया जफाकश मेहनतों की बदौलत बैनुल अक्वामी सतह पर खुद भी पहुँचे और गालिब इंस्टीट्यूट को भी पहुँचा दिया। गालिब इंस्टीट्यूट एक लंबे वक्त तक माली परेशानियों का शिकार रहा, बहुत महदूद 8,800 आमदनी के जरिए पूरा सब कुछ चलाना था, उसकी वजह से रुकावटें आती रही, फिर भी जो मुमकिन हो सका आपसी मेल मोहब्बत के साथ करते रहे। 1981 ईस्वी में मकामी एक रोजा सेमिनार का आगाज हुआ,
आज बैन अल अक्वामी सतह पर मुनाकत किया जाने लगा है। साथ ही आपने मुल्क में भी मुख्तलिफ शहरों तक वो जाकर सेमिनार और दीगर अदबी अजलास मुनाकत किए जाने का सिलसिला जारी किया गया। यह सब सोच व फिक्र शाहिद माली साहब का ही रहा। वक्त ने साथ दिया और वक्त के कुछ माली हालात ने भी इजाज़त दिया, उसकी शुरुआत किया गया। गालिब इंस्टीट्यूट की आमदनी लंबी मुद्दत तक नामाकूल रही। साथ ही तरह तरह के मुकदमात का भी आगाज हो चुका था, कुछ सरकारी और गैर सरकारी भी था। सरकारी तो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर मुकदमात में भी शाहिद मौली साहब का जिम्मा आ गया और उनका बहुत ज़्यादा वक्त कचहरी और वकीलों से के साथ गुजरना शुरू हो गया। शाहिद साहब के साथ मेरा अपना तजर्बा ये रहा कि अगर किसी को वो रकम अदा करना होता था तो उनके खुतों को फौरन ही अदा कर दिया जाने का हुक्म देते थे। उधर मेरी जिम्मेदारियां हिसाबात और ऑडिटर्स और टैक्स को संभालना था और ऑडिटर के एतराजात को सुलझाना था। इस पेचोखम में की वजह से शाहिद साहब से अक्सर बेशतर नोक झोंक जारी रहा करता था, मगर चूँकि शाहिद साहब पूरा क्लास और बहुत मेहमान नवाज थे, इस वजह से उस नोक झोंक को भूल भी जाया करते थे। इत्तफाकन अगर घर पर भी मैं पहुंच जाता और खाने का वक्त होता था तो बगैर खाना खाए वापस नहीं आने दिया करते थे। गालिब इंस्टीट्यूट की एम्स एंड गालिब इंस्टीट्यूट के एम्स ऑब्जेक्ट के तहत इशायती दौर भी शुरुआत किया गया, जो गालिब नामा पहला और दूसरा जिल्द शाया होने के बाद से बंद हो गया था, उसे भी तरतीब में लाया। शाहिद साहब ने भी अपनी मेहनत से लाया। गजल सराय की दुनिया में जगदीप सिंह का प्रोग्राम काफ़ी इनकार किया गया। किताबी मेलों में शिरकत की शुरुआत हुई। तकसीम गालिब इनामात की तादाद बढ़ाकर 2 से 4 अदद की गई और तादाद भी बढ़ाकर रकम सिर्फ 2 इनामात 5,000 रुपये का होता था उसमें भी इजाफा किया गया। शाहिद साहब का साथ असल मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा और वो वैसे तो भाईचारगी का ही था और बाकी तो उनके तसानीफ और उनके आदमी खिदमत के हमारे काबिल लोग मौजूद हैं, वो बोले हैं। मैंने एक वो अपने नोक झोंक के ज़माने का उनको आप लोगों को बताया। बहुत शुक्रिया खुर्शी साहब। हमारे रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ ज्यादा उनसे भी वाबस्ता है। ए इदरीस, सुनो जी, इधर आओ। तो ये उनका दिन में जो था, मेरे खास सबसे ज्यादा मुझे बुलाते थे वो, और मैं पीछे वाले कमरे में बैठता था और आवाज तेज होती थी उनकी। तो ये था, सुनो जी एक ठूक बुला रहे हैं वहां से। तो मैंने कहा ठूक क्या है ये बताइए पहले, एक तो लादूगा पर ठूक क्या है, ये 2 लाने हैं क्या? नहीं तो बहुत शरारती हो गए तुम, बदमाश हो गए तुम। तो मैं उनसे कभी कभी शरारतें भी कर लेता था और वाकई में वो, मैं उनके लिए क्या कहूँ कि वो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे कुलीग थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे वालिद थे। मतलब उन्होंने हर रिश्ता निभाया मेरे साथ। आज मैं जिस लायक यहाँ हूँ उसमें शाहिद मौली साहब का सबसे बड़ा हाथ है, इकबाल मसूद फारूकी साहब का है, खुर्शीद साहब का है। ये तो 3 वो अशखास यहाँ पर मौजूद, 2 हैं यहाँ पर मौजूद, और सबसे ज़्यादा जो मैं ये समझिए कि जो शाहिद मौली साहब के की मोहब्बत, उनकी शफ़क़त और उन्होंने जो मेरी मदद की है, पल पल मेरी जो मदद की है, वो मैं अपने जब तक जिंदा हूँ कभी उसको नहीं फरामोश कर पाऊँगा। मेरे लिए वो सब कुछ थे। और आज माशाल्लाह मेरे इनके जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, ये भी बड़ी मोहब्बत और बड़ी एहतराम करते हैं। कभी भी बात होती है तो
इतनी मोहब्बत से बात करते हैं कि मतलब खुशी होती है अंदर से कि देखिए कि इनको जो है वो कदरे याद है कुछ जो शायद साहब ने इनको सिखाई थी कि जो उनसे इन्होंने हासिल की है वो इनके अंदर मौजूद है। तो अभी मैं इनकी बेटी के घर गया था कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 6-7 महीने या 1 बरस हो गया। बड़ी बेटी जो है नगीन बानो जो वहाँ ट्रॉनिका सिटी में है, तो आप यकीन जानिए कि मेरी कोई भतीजी होती बहन होती तो वो इसी तरह से मेरे इस्तकबाल करती या मुझे किस खुशसलूबी से उसने किस मोहब्बत से घर की गेट से मुझे अंदर तक बुलाया बिठाया नाश्ता कराया और खाने के लिए इसरार किया कि खाना खा करके जाने दूंगी अंकल ऐसे नहीं आप आए इतने दिन बाद आए हैं और मैं तो आपको जो है अपने वालिद की जगह देखती हूँ कि आप हमारे सरपरस्त हैं। तो ये बड़ी बात है कि उन कदरों को जो है उनके बच्चों के अंदर आना इस ज़माने में हालांकि इस तरह का नहीं होता है। मेरे शाह साहब के साथ में और भी बहुत सारे देखिए ये थे कि जब यहाँ मुकदमा चल रहा था गालिब और जौक के मज़ार का, तो खलील इंजुम साहब और शाहिद मौली साहब ये दोनों वकील के साथ में जाते थे और मेरा काम ये था कि मैं इनकी अटैची ले करके जिसमें पूरे वो प्रोसीडिंग होती थी उसकी सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट की जो भी होती थी मैं इनके साथ साथ जाता था और पूरे पूरे दिन हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे तब जा करके वो समाप्त के बाद में हम लोग वहाँ से फारिग होते थे। एक मरतबा नहीं 200 मरतबा का ये साथ रहा है। बाकी जो भी यहाँ की एक्टिविटीज़ थी गालिब इंस्टीट्यूट की जो उन्होंने जिम्मेदारी दी डायरेक्टर बनने से पहले या उससे उसके बाद वो उसको हम लोग अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ में मोहब्बत से उसको पूरा करते थे। ये हमारे गवाह हैं इकबाल मसूद साहब, हमने बहुत सीखा है इनसे इकबाल मसूद फारूकी साहब से खुर्शीद साहब से और शाहिद साहब से। तो इनकी तबीयत का ही नतीजा है कि जो हम लोग इस माइक पे भी हैं यहाँ जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहा हूँ मैं। एक मरतबा का वाकया और है मैं आपको सुनाता हूँ कि बेगम हमीदा सुल्तान साहिबा आप लोग मेरे ख़ास से नहीं जानते होंगे लेकिन डाइस पर जो मौजूद हैं वो सब जानते हैं उनसे वाकिफ हैं। बहुत गुस्से वाली थी और फखरुद्दीन अली अहमद साहब की बहन थी, वो अली मंजिल ऊंचा पंडित में रहती थी। 1989 में शाहिद साहब ने कहा कि भाई एक लड़का है ये इसको तुम वहाँ ले जाओ हमीदा आपा के पास उनका पता ये है और पूछा पंडित में जाकर के तुम तलाश कर लेना आधी मंजिल है वहाँ पहुँच जाओगे तो इनसे मुलाकात करा दो इनकी वो उनको रखना चाहती है वहाँ पे मुलाजमत में। मैं उनको वहाँ लेकर के गया बातचीत हुई मैं बैठा रहा खामोश रहा वो उससे बातचीत करते रहे उसका इंटरव्यू हुआ कि तुम कितने पढ़े लिखे हो और तुम मुझे कितना वक्त दोगे मुझे सिर्फ तुम्हें 1 घंटे का वक्त चाहिए सुबह 1 या 1.5 घंटे का वक्त मुझे 8 बजे से 9 बजे तक और मैं तुम्हें दोपहर का खाना दूंगी रात का खाना मैं खुद भी नहीं खाती हूँ लिहाजा मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी 1 वक्त का खाना 50 रुपये और 1 कमरा तुम्हें जो है मैं ये इसमें से देती हूँ इसमें तुम अपना आराम से रहना। आखिर में उन्होंने मालूम किया कि ये बताओ कि तुम कहाँ के हो तो उसने कहा जी मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ और शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम जाओ यहाँ से मैं तुम्हें नहीं रख सकती। अब वहाँ हम लोग वापस आ गए। अब उन्होंने 3-4 दिन बाद फिर शाहिद साहब को फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि भाई वो एक और जो लड़का आया था उसके साथ में उसको मेरे पास भेजो। मेरी ख्वाहिश भी थी मैं रहता था उस वक्त में तुगलकाबाद, मेरे एक भाई थे अख्तर ठेकेदार उनके यहाँ मैं रहता था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पुरानी दिल्ली में रहूँ और यहाँ की नहारी कौरमा बिरयानी और जो यहाँ की जो ये नान होती है मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं चाहता था कि मैं मुझे भी कोई जगह ऐसी मिल जाए कोई मुफ्ती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उस वक्त जब वो उसका इंटरव्यू ले रही थी तो मेरे दिल में ख्वाहिश जाग रही थी कि भाई मैं ऑफ़र कर दूँ अपने आप को लेकिन मैंने बहरहाल नहीं किया। शाहिद साहब ने जब मुझे हुक्म दिया कि तुम जाओ और उनसे मुलाकात करो जा करके तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो उन्होंने वही शराइत मेरे सामने भी रखी। तो मैंने कहा ठीक है जी दोपहर तो देखिए मेरी ऑफिस में नाश्ता मैं ज़रूर कर सकता हूँ आपके साथ दोपहर मेरी ऑफिस में होती है तो मैं लंच वहाँ करूँगा शाम का आपने मुझसे मना कर दिया। और रहा 50 रुपये का मुझे आपके 50 रुपये नहीं चाहिए मुझे रहने की जगह दे दीजिए बस आप। तो उनका मसला ये था कि वो उनकी हैंड राइटिंग जो थी वो नावल लिखती थी नीलाम्बर और रंग महल दो नावल लिखे थे उन्होंने जो रंग महल है उसको मैं हाथ से वो बोलती थी मैं लिखता था उसको। उनका हैंड राइटिंग इतना ख़राब था कि वो अपना खुद लिखने के बाद भी पढ़ नहीं पाती थी इसलिए वो रखा था।
बहरहाल वो कुछ दिन तक रहा और वो हुआ क्या कि मेरी आदत थी सुबह देर में जागने की, वो साहिबा सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद एक हाथ में डंडी लेकर के और एक उनकी मुलाजिमा थी उसके हाथ में कप चाय होती थी और एक जो गोल वाला पापा वो होता था और पीछे पीछे हमीद आपा और वो आवाज़ देती थी इदरीस 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 और वो जब मेरे कमरे तक आती थी यही आवाज़ें देती रहती थी। अगर मैंने हामी कर दिया जी भी मैंने कहा उनको लेकिन वो वहाँ तक पहुँच जाते थे। बहरहाल ये जब मेरे ऊपर सख्तियाँ हुई तो फिर मैंने शाहिद साहब से कहा कि साहब मुझे तो कहीं और करा दीजिए, तो बहुत सख्ती रखनी है सुबह ये, तो सबसे पहले सुबह ही उठना और शाम को भी, पहले उन्होंने सुबह कहा था लिखने का अब शाम को भी लिखवाती हैं और कुछ और भी वो उनकी जो है सख्तियाँ हो गई हैं लिहाजा मैं वहाँ रहना नहीं चाहता। लेकिन वो शाहिद साहब ने कहा कि नहीं ठीक है वो थोड़े से तेज़ है गुस्से की हैं नॉर्मल हो जाएंगी दो चार दिन में तुम वहीं रहो। तो ये एक वाकया है और बहुत सारी ऐसे 1988 में मेरे यहाँ तकर्रुर हुआ था जब से मेरी पूरी सरपरस्ती की शाहिद साहब ने। 1993 में मैं यहाँ हरियाणा उर्दू अकेडमी चला गया था, यहाँ से वहाँ पोस्टर निकली थी मैंने अप्लाई किया मेरा वहाँ तकर्रुर हो गया। 97 में गालिब की 200 साल जश्न विलादत के मौके पे यहाँ कुछ उसकी ज़रूरत थी किसी मुलाजिम की कि भाई आकर के जो रूटीन के सारे काम देख सके, तो शाहिद साहब का मेरे पास फ़ोन आया, नहीं शाहिद साहब से बदर साहब, शाहिद साहब ने बदर साहब से ये कहा कि भाई एक लड़का हमें रखना है लेकिन वो ऐसा हो कि मल्टी पर्पज़ का हो कि सारे काम कर लिया करें यहाँ के। तो उन्होंने कहा बदर साहब ने कि भाई बताइए किस पर, कि भाई एक इदरीस है वो यहाँ से कम तनख्वाह होने की वजह से वो चंडीगढ़ चला गया था हरियाणा उर्दू अकेडमी में है। तो बदर साहब ने कहा उनसे कि भाई आप उसको बुला लीजिए, जो सैलरी उसको वहाँ मिल रही है वो सैलरी हम देंगे और जो अलाउंसेज वगैरह हैं वो भी देंगे। बहरहाल मैं भी चाहता था कि भाई वापस आ जाऊँ, शाहिद साहब का हुक्म हुआ एक दिन उनका फ़ोन आया कि जी तुम वहाँ से रिज़ाइन दे करके आ जाओ और यहाँ आ करके तुम ज्वाइन कर लो। बहरहाल मैं उसके बाद में 97 में फिर वापस आया और फिर यहाँ से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मैं। अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली शाख के में शुरमा खलीक अंजुम साहब, बेगम हमीदा सुल्तान साहिबा, लाला तरीन तनाथ, लाला शंभूनाथ, कई लोग थे उसके अंदर, लाला महेश्वर दयाल, बाहर बर्नी साहब, ये अंजुमन के मेम्बरान थे, उनके साथ से मैंने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद में अकबर मसूद फारूकी साहब, खुर्शीद आलम साहब सब शामिल हुए और गालिब के मज़ार पे योमा गालिब, जो गालिब इंस्टीट्यूट की तकरीब होती थी उस तकरीब में बेगम हमीदा सुल्तान साहब कभी नहीं जाते। इस तकरीब के बाद में वो खुद मुझे लेकर के और शाहिद साहब को लेकर के मज़ार पे पहुंचती थी और फिर वो अलग से एक प्रोग्राम वहाँ रखते थी, उसमें भी शाहिद साहब हमारे पेश रहते थे और मुझे भी इंस्ट्रक्शन दे रखते थे कि भाई तुम्हें जो है उस प्रोग्राम में जाना है। अब मैं शाहिद साहब के जो बहुत करीब लोग रहे हैं, सादिक साहब मेरे ख्याल से वो बहुत करीब रहे हैं शाहिद मौली साहब के, बहुत ही करीबी और दरीना दोस्तों में से हैं। अतीकुल्ला साहब भी हैं और कई बहुत लोग थे, ज़ुबैर रिज़वी साहब, देखिए उनका मिजाज इस तरह का था कि उनके मेरे ख्याल से सैकड़ों दोस्त थे, निदा फाजली, कैफी आज़मी और जितने भी उनके हम असर थे मेरे ख्याल से उर्दू के जितने अदबा और शुरा थे सब उनसे बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे उनके, लेकिन साजिद साहब से बहुत गहरे ताल्लुकात थे। और मेरे ख्याल से साजिद साहब यूनिवर्सिटी के बाद रोज़ाना डेली यहाँ तशरीफ लाते थे और उनके साथ में बैठते थे, गुफ्तगु होती थी। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर साजिद साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार करें। ऐ इदरीस, शाहिद माहौली, आवाज आ रही माइक पास कर, बातें उसकी याद आती हैं लेकिन
मुझ पे ये नहीं खुलता किन बातों पर अश्क बहाऊं, किन बातों से जी बहलाऊं। शाहिर साहब से मेरी मुलाकात सबसे पहले ख़तों की दावत के ज़रिए हुई थी। दिल्ली से उन्होंने एक रिसाला मायार नाम से निकाला था। उस ज़माने में मैं महाराष्ट्र में था। मुझे एक हम आसर राइटर की हैसियत से जानते थे, वो काफ़ी मशहूर भी था। मैं उन्होंने ख़त लिखा और उसके जवाब में मैंने अपनी तहकीकात उनको इरसाल कर दी जो उन्होंने शाया की। इसके कुछ अर्से बाद UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरक्की उर्दू बोर्ड में आ गया। उस ज़माने में शाहिद माहौली ग्रीन पार्क में एक मकान में रहा करते थे जो उनके किसी दोस्त का था और बड़ा इनाम किराए पर दे रखा था। उस वक्त तक भाभी बच्चों को लेकर नहीं आए थे, वो तन्हाई रहते थे। मुश्ताक अली शाहिद उनके एक दोस्त थे, काफ़ी करीब। तो मैं शाहिद साहब, मुश्ताक अली शाहिद, हम लोग जो है तकरीबन हर रोज़ शाम को मिला करते थे। बड़े खुश होते थे, बहुत अच्छी तरीके से अदबी कामों में, अदबी बातों में, अदीबों की बातों में, रिसालों से मैं मुतालिक हमारी बातें होती रहती थी। और इस तरह से बहुत ही अच्छा वक्त है शाहिद साहब के साथ हमारा गुजरा। बाद में मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, उसमें और ज़्यादा वक्त मिलने लगा मुझे। और रोज़ाना यूनिवर्सिटी में क्लासेस ख़त्म होने के बाद सीधा मैं गालिब इंस्टीट्यूट आता था और फिर कई घंटे हम लोगों के साथ गुजरते थे, शाम तक गुजरते थे शामें। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब भाभी और बच्चे यहाँ दिल्ली मुंतकिल नहीं हुए। उनके दिल्ली आने के बाद इस सिलसिला पे ज़रा मुनक़ता हुआ, बिल्कुल ही नहीं, बल्कि रफ्ता रफ्ता ये काम होता रहा। मैंने शाहिद साहब के साथ सफ़र काफ़ी किए हैं, दरून मुल्क करने के अलावा बैरून मुल्क भी किए हैं। बैरून मुल्क में जो सफ़र किए हमने, उसमें एक ऑरलैंडो का एक सफ़र याद है हमें, जब हमने हॉलीवुड जाकर देखा था, साथ देखा था जाकर के, हॉलीवुड में रहे ऑरलैंडो में। इसके बाद फिर वहाँ से हम न्यूयॉर्क आ गए। न्यूयॉर्क में एक वकील अंसारी साहब हुआ करते थे जो ग्वालियर के थे। इत्तेफाक से उनके जो बुज़ुर्ग थे और मेरे बड़े भाई, उनके आपस में ताल्लुकात थे, जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानता था, तो उनसे भी काफ़ी बातें हुई। उनका एक बड़ा होटल था वहाँ पर, वकील साहब का, वकील नाम था वकील अंसारी उनका। उस होटल में तकरीबन 1.5 महीने उन्होंने मुझे और शाहिद साहब को रखा, फ्री ऑफ कास्ट, एक पैसा हमसे नहीं दिया। बहुत मज़े में गुजरी वहाँ, और वहाँ बहुत लोगों से हम लोगों का मिलना जुलना होता रहा। इसके बाद न्यूयॉर्क से हम न्यू जर्सी चले जाते थे कभी कभी, मैनहट्टन जाते थे। खाने वाने उधर के बहुत पसंद थे, शाहिद साहब को चटपटे खाने बहुत पसंद थे, तो कहते थे आप मैनहट्टन चलो, मैनहट्टन चले जाते थे। वहाँ भी खूब खाने वगैरह खाते थे, उधर भी काफ़ी दोस्त बन गए थे हमारे साथ। और इस तरह से फिर दिल्ली आने के बाद फिर उसी तरीके से हमारे शबरों से गुजरते रहे। और इस असना में शाहिद साहब ने अपना वहाँ का मकान खाली करके इधर अपने गालिब इंस्टीट्यूट, गालिब एकेडमी, गालिब अपार्टमेंट्स में वो मुंतकिल हो गए। और यहाँ डुप्लेक्स लिया था उन्होंने, और यहाँ जो है सबसे पहले जो दावत दी उन्होंने हम दोनों को दी, मुझे मेरी मिसेस को। बहुत ही यानी ज़िंदगी के ऐसे सारे मामदार, अहम मामदार, उसमें हम दोनों एक दूसरे से मशवरे ज़रूर लिया करते थे। एक दूसरे के मशवरों के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता था। लंदन में जब हम रहे तकरीबन 1.5 महीने, इकबाल मिर्ज़ा नाम के एक साहब थे, उनके वहाँ रहे। इकबाल मिर्ज़ा लखनऊ के रहने वाले थे, अमूमन सर्दियों में दिल्ली आ जाया करते थे वो। और दिल्ली आते थे तो यहीं गालिब इंस्टीट्यूट का जो मेहमान खाना था उसमें वो तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, यहाँ रहते थे वो। और शामें उनके साथ हमारी गुजरती थी। इकबाल मिर्ज़ा साहब को कबाब बहुत पसंद है, और कबाब भी जवाहर होटल के, अलजवाहर के, वहाँ लगभग शाम को रोज़ जाकर हम कबाब खाया करते थे।
और कहते थे ऐसे कबाब मैंने और कभी कहीं नहीं खाए जितने यहाँ खाए। इसी बीच क्या हुआ कि एक बार अपने किसी अजीज़ को कुछ रुपया देने के लिए 60-65 हज़ार रुपया था वो देने के लिए उन लखनऊ तशरीफ ले गए इकबाल गर्दा साहब। अब जब लखनऊ जाने लगे वो तो पता नहीं किसी तरह किसको पता चल गया क्या हुआ, इकबाल गर्दा साहब की आदत थी कि जब वो सोते थे तो बनियान और पायजामा पहनकर सोते थे, बाकी कपड़े अपने लटका देते थे। कपड़े उन्होंने लटका दिए, पैसा वैसा उनके लटेची में था। और इसके बाद रात को पता नहीं क्या हुआ, जब दूसरी सुबह लखनऊ में उनकी आँख खुली तो उनके अजीज़ वगैरह उनको लेने के लिए आए थे, रिसीव करने के लिए, और इकबाल मिर्जा साहब की हालत क्यों उनका सारा सामान लेकर कोई चंपत हो गया और उसे तो बनियान और पायजामा पहन अजीब वगैरह हालत थी। फौरन जो है उन्होंने इत्तला दिलवाई सिफारत खाने को इंग्लैंड के, और उन्होंने काफ़ी रुपया भेजा इनको जिससे नए कपड़े वगैरह उनके उन्होंने खरीदे और बाकी कुछ खर्च वर्च भी करते रहे हैं। काफ़ी पैसा इंग्लैंड के सिफारत खाने में उनको भिजवाया था, शायद ये रू रहा हो वहाँ का। शाहिद साहब से मेरे ताल्लुकात तो उसी तरीके से चलते रहे, और इसके बाद जब मैं इधर अपने दूसरे मकान में मुंतकिल हो गया और शाहिद साहब तो गालिब अपार्टमेंट में थे ही, तो काफ़ी फासला बढ़ गया था। मगर मुलाकात यहीं हुआ करती थी गालिब इंस्टीट्यूट में ही, यहाँ से हम लोग मंडी हाउस चले जाते थे, और यहाँ सामने से ये एक रास्ता था, रेल की पटरियाँ जो हैं वो क्रॉस करके हम दोनों जाते थे और सीधे मंडी हाउस नत्थू के वहाँ पहुँच जाते थे। और वहाँ मैंने कहा ना चटपटे खानों का बड़ा शौक था हमें, तो वहाँ आमतौर पर दही भल्ले वगैरह जो है वो उड़ाते थे हम दोनों। इस तरह काफ़ी ज़िंदगी के दिन हम लोगों के गुजरते रहे, दोनों का एक दूसरे के ताल्लुकात रहे, दोस्ताना ताल्लुकात या बिरादराना ताल्लुकात जैसे भी थे वो बहुत करीब तरीन ताल्लुकात रहे। और उन्हीं ताल्लुकात के दौरान जब भाभी का इंतकाल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद टेलीफोन पर ही वो रो पड़े, और मैं उनके दिली हालत को समझ गया और मैं भी फ़ौरन जल्द अज जल्द घर पहुँचा उनके, और मुझसे लिपट कर वो बहुत रोए और बेहद मोहब्बत आज हद मोहब्बत करते थे वो अपनी बीवी से भी बच्चों से भी, बच्चों को भी बहुत अजीज रखते थे वो। बल्कि जब कभी वो पुरानी दिल्ली जाते थे तो बच्चों के लिए कबाब ले जाना कभी नहीं भूलते थे, कभी अपने घर पर टुआ करके वो हमेशा जो है बच्चों के लिए ले जाते थे क्योंकि बच्चे बड़े पसंद करते हैं। तो इस तरीके से सब लोग गुजरते रहे, और फिर वो दिन वो आया जब शाहिद साहब इस दुनिया में रहे, और इस तरह मैंने अपना एक अजीज तरीन दोस्त जो दिल्ली में था उसे खो दिया, उसके खो देने का आज तक मुझे मजा है। इसीलिए मैंने इसकी जो शुरुआत की थी दर ख्याल की और कहा था कि बातें उसकी याद आती हैं, लेकिन मुझ पर यह नहीं खुलता किन बातों पर अश्क बहाऊँ, किन बातों से जी बहलाऊँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। जैसे कि आपके ताल्लुकात शाहिद साहब से, उसके लिहाज से आपने बहुत ही अख्तिसार से काम लिया। बहरहाल वक्त की नज़ाकत भी है, दूसरा प्रोग्राम भी शुरू होना है। अब मैं उनके दूसरे बहुत ही दरीना दोस्त जनाब अब्दुलरहमान एडवोकेट साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने और शाहिद साहब के ताल्लुकात पर रोशनी डालें। मैं सबसे पहले नहायत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजारी का इजहार करता हूँ जनाब इकबाल मसूद फारूकी और डॉक्टर इदरीस के लिए कि उन्होंने शाहिद साहब को याद करने के लिए, ये उनका बड़ा मुस्तासन काम है, उनको याद करने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया। देखिए, किसी रुख्सत हुए दोस्त को याद करना बहुत खुशगवार खुशकुन भी है और बहुत तकलीफ दे भी है,
खुशगवार और खुशकुन तो इसलिए है कि प्रेमचंद ने लिखा था, माजी कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो, उसकी यादें बहुत खुशगवार होती हैं। यह हकीकत है। और जब आप किसी दोस्त को याद करते हैं तो उमूमन उसके साथ गुजारे हुए उस वक्त और उन लम्हात को याद करते हैं जो आपने मिलकर जिनसे लुत्फ उठाया हो, इंजॉय किया हो। मेरी शाहिद साहब से मुलाकात बड़े अजीब अंदाज में हुई। मैं ताज एनक्लेव में रहता था, कुछ अच्छा रहा वहाँ, और शाहिद साहब भी वहीं रहते थे। तो वहाँ जो सोसाइटी के जो सदर थे वो एक मौलाना किस्म के तबलीगी जमात के अमीर थे, लेकिन मेरी उनसे सरकारी अफसर रिटायर्ड थे वो, लेकिन उनसे ज़रा बेतकल्लुमी थी। तो एक दिन मैंने इनको गुजरते हुए देखा तो उनसे कहा कि भाई शेख साहब, ये शायर नुमा हजरत है, यहाँ से जा रहे हैं, ये कौन साहब हैं? तो बोले भाई ये शायर ही हैं। मैंने कहा अच्छा, इससे कभी मुलाकात करवाइए। तो उनसे उन्होंने तो मुलाकात नहीं कराई, लेकिन ये कि एक बार मेरा आमना सामना उनसे हो गया कलेमन ऑफिस में, सोसाइटी के ऑफिस में, वो भी किसी काम से आए थे। तो मैंने कहा भाई, नाम उन्होंने मुझे बता दिया था। अच्छा, मेरा भी घर का नाम शाहिद है, ऑफिशियल नाम तो अब्दुलरहमान है, लेकिन मेरे ख़ानदान में, मेरे मोहल्ले में, जो पहले मोहल्ला था जहाँ का वासी रहा हूँ, दिल्ली का एक कदीम मोहल्ला है, वहाँ लोग अब भी मुझे शाहिद के नाम से याद करते हैं। तो जब इनसे सामना हुआ तो मैंने कहा भाई मेरा नाम भी शाहिद है। तो उन्होंने ज़रा घूर के देखा मुझे, बोले आप शायद वकील साहब हैं? मैंने कहा जी हाँ, मुझे तो आपका कोई और नाम बताया गया था। तो खैर मैं हंसा, मैंने कहा हाँ मेरा नाम अब्दुलरहमान है, लेकिन मेरा घर का नाम वाकई शाहिद है, और आपका क्या मशगला है? ये तो मुझे पता चल गया कि आप शायर हैं। तो बोले भाई मैं गालिब इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई अपना कोई पसंदीदा शेर सुनाइए, गालिब का कोई ऐसा शेर जो आपको पसंद हो। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा उससे मुझे आप की शख्सियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो साहब उन्होंने मुझे वो शेर सुनाया, ऐसा भी है कोई कि तो गालिब को न जाने। फिर बोले कि अच्छा आपको क्या अंदाज़ा हुआ? मैंने कहा मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि आपने गालिब के बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचकर ये शेर पढ़ा है। तो हंसने लगे। बहरहाल उसके बाद उनसे एक दो मुलाकातें वहाँ हुई, और एक कोई कोई महफिल वहाँ हुई थी, मुझे याद नहीं रहा, सोसाइटी में कोई अदबी महफिलें तो वहाँ नहीं होती थी, लेकिन कोई गेट टुगेदर था या कोई शादी वगैरह थी, वहाँ ज़रा उनसे बेतकल्लुफी हो गई। ये 26-27 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद फिर यहाँ मेरा आना जाना शुरू हुआ। सादिक साहब और मैं बहुत वक्त साथ गुजारते थे, तो हम वो वक्त ज़्यादातर यहीं गुजारते थे, और ऐसा बहुत कम होता था कि शाहिद साहब भी हमारे साथ कभी कभी फरमाइश पर उठकर हमारे साथ बंगाली मार्केट में जाकर चाय कॉफ़ी पी लेते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ। पहली मुलाकात में मेरा अंदाज़ा ये था कि ये ज़रा कुछ रिजर्व किस्म के आदमी हैं, और ज़्यादा बेतकल्लुफ दोस्ती इनसे शायद मुमकिन ना हो, ये मेरा अंदाज़ा था, जो गलत साबित हुआ। क्योंकि जब ज़रा कई मुलाकातें हो गई, फिर तो वो जाने आया ऐसा खुला, ऐसा खुला कि फिर तो उनसे बहुत ही बेतकल्लुफ ताल्लुकात हुए और रहे। शाहिद साहब के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे उनकी शख्सियत के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि वो बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है, और खुश अखलाक थे, खुशखुल्क थे, और खुशमिजाज थे। दिल्ली की ज़बान में मैं कहूँ कि यारों के यार थे। लेकिन ऐसा शख्स यार बनाता ज़रा देर से है, लेकिन जब यारी हो गई
तो फिर कोई हद फासिल बरकरार नहीं रही। और जैसा कि अभी सादिक साहब ने बताया कि मैंने भी उनके साथ कई सफ़र किए, कई अदबी सफ़र किए, और वो खुद यानी मेरा नाम तजवीज़ करते थे और मुझसे कहते थे फलां सेमिनार में चलिए फलां। एक बार चंडीगढ़ में हमारे एक मुश्तरका दोस्त थे कश्मीर लाल जाकिर, जो हरियाणा उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी थे, तो मुझसे भी उनका तारुफ तो था लेकिन कुछ ज़्यादा करीबी ताल्लुकात नहीं थे, जो फिर बात को हो गए शाहिद साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक वर्कशॉप किया चंडीगढ़ में हरियाणा उर्दू अकेडमी की तरफ से, तो शाहिद साहब ने मेरा नाम भी तजवीज़ उसमें किया और मैं और वो साथ उसमें गालिबन सादिक साहब भी थे और मेरी गाड़ी में हम सब लोग मिलकर गए। वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा पुरलुत्फ रहा और उसमें जितनी भी अगर कोई थोड़ी बहुत रिजर्वेशन रह गई थी तो वो भी ख़त्म हो गई और हमने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा। और जैसा मुझे अंदाज़ा हो भी गया था कि वो बुनियादी तौर पर हँसोड़ खुश मिजाज हंसने बोलने वाले आदमी थे, बस ये है कि वो बाहर की दुनिया के लिए ज़रा रिजर्व रहते थे। और जो बात मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि उनके बारे में क्या क्या कहूँगा, तो उसमें एक दिलचस्प बात उसका जिक्र गिरी साहब ने करके वो भांडा फोड़ दिया कि यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट के मामलात में उनके हर मसले और हर ज़रूरत का एक ही हल था और वो था डॉक्टर इदरीस। जो मंत्र वो पढ़ते थे उस हल या मुश्किल या ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो यही था जो उन्होंने ए इदरीस, और उनके लहजे से ये पता चल जाता था कि इस वक्त इदरीस को वो किस लिए पुकार रहे हैं, यानी वो आम तौर पर ए इदरीस सुनो जी, तो इसका मतलब ये था कि वो कोई कुछ तनकीद करेंगे या ये कहेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ। और अगर आम हालात में बुलाते थे तो वो बहस मैं जितना होता था ए इदरीस, तो यानी इस हद तक वो ये जुमला उनके जबान पर चढ़ा हुआ था या ये खिताब कहिए कि मैंने इदरीस साहब का नाम अपने फ़ोन में जो सेव किया है तो उसमें ए इदरीस लिखा हुआ है, जो मैंने इनको एक दिन दिखाया भी था। अच्छा देखिए, मैंने ये कहा कि कमगो थे लेकिन जब बोलते थे तो खूब बोलते थे, और शायरी के उनके तीन मजमूए शाया हुए और मैं उन कुछ नसीब लोगों में से हूँ कि जिनसे वो अपनी शायरी शेयर करते थे, यानी मैं आता था तो अरे भाई एक गज़ल हो गई है सुन लीजिए, वो गज़ल वगैरह सुनाते थे। मैंने अर्ज किया कि वो एक तो सफ़र उनके साथ मैंने कई किए और मैंने ये कहा कि वो बहुत शरीफ आदमी थे और मेरे अपने पैमाने के मुताबिक शराफत का एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि वो शख्स अपने घर वालों से यानी बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। और एक वाक्य मुझे याद है कि हमारे वो दोस्त इकबाल मिर्ज़ा लंदन में वो एक रिसाला भी निकालते थे सदा नाम का, उनका इंतकाल हो गया है इकबाल मिर्ज़ा साहब का कई साल हुए, तो उन्होंने हमें दावत दी लंदन आने की, और यानी मैं अली अहमद फातमी और शाहिद साहब, तो टिकटों वगैरह की बात हो रही थी रूट की, और तो ये मुझसे बोले कि भाई ऐसा कीजिए ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाइए कि हम मेरे छोटे बेटे को दुबई में नौकरी मिली है और वहाँ रुकेंगे दो दिन और फिर वहाँ से लंदन चलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात होगी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो हज़रत यहाँ बैठे भी हैं, तो हम यहाँ से दुबई गए और बहुत अच्छे हमने गालिबन तीन दिन हम रहे वहाँ, बहुत अच्छे तीन दिन उन्होंने हमारे लिए एक पूरा एक स्वीट कहिए उसको, यानी वो सेल्फ कंटेंट किस्म का फ्लैट था वो ले लिया था जिसमें किचन भी था और हम खुद अपना खाना चाय वगैरह उसमें बना सकते थे बनाते थे। तो वहाँ एक दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि जब हम एयरपोर्ट पर थे तो उसी ज़माने में आईरिस आइडेंटिटी शुरू हुई थी, यानी वो एक मशीन जो आपकी आँख को पढ़ लेती है और वो रजिस्टर करती है आपकी आइडेंटिटी। तो वहाँ इमिग्रेशन वो बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं ये अरब आप जानते हैं, तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि ये चश्मा उतारो,
मैं समझ गया कि वो आयरिस लेना चाह रहा है, तो चश्मा मैं मुझे कुछ गुस्सा आया उसका लहजा सुनकर, तो ज़रा गुस्से में मैंने चश्मा उतारा तो वो मेरे गिर के टूट गया। अब जनाब बड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने सोचा चलो सामान आ रहा है, फालतू चश्मा उसमें मौजूद था, तो साहब वो सामान लेने बेल्ट पे हम चले गए, मैं और शाहिद साहब थे, वो भी थे फातिमा साहब। तो जब मेरा वो बैग आया जिसमें चश्मा था, तो मैंने वो जल्दी से उठाया, उसको खोला और उसमें से चश्मा निकाला, लगाया, और लगाते हुए वो चश्मा भी गिरकर टूट गया। ऐसा इत्तेफाक पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं मेरी परेशानी का। और मैं बड़ी खुशी से, ये बड़े मुश्ताक भी थे, मैंने इनको बताया था कि मेरा एक भतीजा वहाँ रहता है और वो मेरे लिए एक एक गाड़ी होती है हमर, बहुत बहुत कीमती एक अमेरिकन SUV होती है, तो मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। तो उसने मुझसे कहा था अगर मैं हमर लिए, मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा और आप वही रखिएगा 3 दिन जब आप रहेंगे वहाँ। वो आया हुआ था एयरपोर्ट को लेकर, तो मैं तो शाही साहब मेरा हाथ पकड़कर बिल्कुल अंधे की तरह मुझे, मैंने कहा भाई इतना तो नज़र आता है मुझे, आप छोड़िए, आप बोलेगा नहीं नहीं अरे मियाँ गिर मत जाना, गिर मत जाइएगा, और हाथ पकड़ कर मेरा बाहर तक लेकर गए। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो अंधा हो गया हूँ और ये मैं तो ड्राइव कर नहीं सकता। तो वो बहुत खुश हुए गाड़ी वाड़ी देख के। खैर बहरहाल हम वहाँ पहुँचे और वो 3 दिन जो हमने गुजारे वहाँ दुबई में, अगले दिन सुबह पहला काम उन्होंने ये किया कि कुछ अरेंज किया और मुझसे कहा कि चलिए पहले आपका चश्मा बनवाएंगे। हमारे गए चश्मा बनवाया और तब जाके वो मसला हल हुआ। लेकिन वो वक्त जो हमने वहाँ गुजारा वो बड़ा यादगार वक्त था। इसी तरह यहाँ इंडिया में भी जयपुर, चंडीगढ़, जयपुर और पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ एक कोई सेमिनार था गालिबन 2-3 रोज़ का, तो उसमें हमारे साथ खलील अंजुम साहब भी गए थे, वो भी मेरी गाड़ी में थे। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं बता नहीं सकूंगा, लेकिन उससे ये अंदाज़ा, क्योंकि उसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, लेकिन ये कि उससे शाहिद साहब के किरदार का बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता अगर वो बातें बता सकता, क्योंकि वो उर्दू की अदबी दुनिया की जो बुराइयाँ थीं उनसे बहुत दूर थे और बड़ी एक साफ शफाफ किस्म की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और जो मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी, अभी श्री साहब ने ये तस्करा किया कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ये तो खैर इनकी ज़ाती शराफत है, वरना आज कौन इस बात को तस्लीम करता है। हर शख्स ये बताना चाहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर हूँ और मैंने यूँ किया और ये कुर्बानी दी। लेकिन ये हकीकत है कि मैंने उनको बहुत कम किसी शख्स पर नाराज़ होते हुए या गुस्सा करते हुए देखा, बहुत कम। और वो गुस्सा भी जो उनको आता था वो बहुत ही नरम तरीके से उसका इजहार होता था। कभी मुझे तो देखिए, उनसे बहुत बेतकल्लुफी हो जाने के बावजूद उन्होंने मैन टू मैन जो मर्द से जो बेतकल्लुफाना बातें करता है, उस गुफ्तगू में भी मैंने उनको कभी एक मखसूस हद अदब जो उन्होंने खुद मुकर्रर कर रखी थी उसको क्रॉस करते हुए नहीं देखा। ये उनका, मैं समझता हूँ, एक उनकी गैर मामूली खसूसियत थी, वरना आमतौर पर मर्द आपस में क्या बात नहीं करते, और जहाँ ख़ास तौर पर बेतकल्लुफ दोस्ती हो। लेकिन उन्होंने कुछ हदूद अपनी मुकर्रर की हुई थी और वो उनसे बाहर नहीं निकलते थे। अच्छी खासी शायरी करते थे, मुशायरों में 2-3 मुशायरों में उनके साथ मैं गया हूँ, शरीक होने का मौका मिला। खासतौर पर इस्माइल जाकिर साहब ने कई बार हमें बुलाया। और तो जितनी भी बातें शाहिद साहब के सिलसिले में याद आती हैं वो खुशगवार ही हैं। और एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बस मैं इतना ही कह सकूँगा। रही बात उनकी अदबी खिदमात का भी जिक्र किया है इदरीस साहब ने या मसूद साहब ने, जिसने भी बैनर और ये कार्ड बनाया कि हयात और अदबी खिदमात, तो अदबी खिदमात से तो खैर सभी वाकिफ़ भी हैं कि उनके 3 मजमूए शाया हुए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री जो अब्दुल मोइन साहब ने लिखी थी, अब्दुल मोइन साहब
मिर्जापुर से आए तो यहाँ ए आई सी सी के जो मेन दफ्तर है वहाँ उर्दू से मुतालिक शोबे से मुंसलिक हो गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री जो अंग्रेजी में लिखी हुई थी वो उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया था, वो एक बड़ा काम था। तो कहने का मतलब यह है कि एक बड़ी नॉर्मल बड़ी साफ शफाफ तमाम उस किस्म की बुराइयों से पाक जो आजकल हमारी हमारे माशरे में जिनके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते उनसे पाक ज़िंदगी उनकी थी। और एक शेर मुझे याद आया हसबे हाल कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी थे, और वो थे शायद माहौली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने उनकी शराफत और उनकी कुव्वत बर्दाश्त के बारे में जो बयान किया तो होता ये था कि शाहिद साहब इस पे जहाँ मैं बैठता हूँ इस वक्त वहाँ शाहिद साहब का थे, दो केबिन थे ये, बीच में एक रास्ता था, शाहिद साहब इधर बैठते थे, वो पब्लिकेशन ऑफिसर थे, और उस तरफ ताबा साहब बैठते थे, मोहम्मद अय्यूब ताबा साहब वो डायरेक्टर थे उस वक्त में। अच्छा होता क्या था कि नोक झोंक उनमें चलती रहती थी, कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि दोनों खड़े हो जाते तो चीखे मारते थे। अब हम लोग आपस में जो और जूनियर स्टाफ था उनका लोग फड्डा हो गया, उनमें झगड़ा हो गया, तो चार दिन के लिए छुट्टी हो गई। अब पता ये चला कि 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद में दोनों आराम से बातें कर रहे हैं बैठे हुए। अरे भाई ये कैसे झगड़ा था, हम लोग करते हैं भाई कैसे झगड़ा है, अभी तो मतलब तेज तेज आवाज में इनमें झगड़ा हो रहा था, और अब देखिए प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं आपस में। तो उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी था, देखिए बेसिकली शाहिद साहब बहुत खुशनसीब इंसान, चाहे वो दोस्ती का मामला हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का हो या अदबी हो उनका, ये रहमान साहब इत्तफाक करेंगे, उनके दोस्त भी जितने भी थे बहुत ही मुखलिस थे, बहुत अच्छे इंसान थे, जितने भी दोस्त उनके हुए मत पिटने वाले दोस्त थे उनके। जो शाहिद साहब थे, सादिक साहब ने नाम दिया था मुश्ताक अली शाहिद साहब, मुश्ताक अली शाहिद साहब डेली यहाँ आते थे और उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब उनकी बेटी की शादी हुई शाहिद साहब ने पूरी जिम्मेदारी निभाई थी और यही शादी हुई थी, और उसके बाद में भी उनके बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात उस वक्त में थे उनके। रहा यहाँ के माशी हालात का, कि जब तक शाहिद साहब रहे उससे पहले दुश्वारियां और तंगी थी, गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऐसी जरिया माश नहीं था, यहाँ ये ऑडिटोरियम था, कोई ग्रांट वगैरह नहीं मिलती थी, कुछ हमारे जो किराए पे जगह दी हुई थी उसका इनकम टैक्स में बहुत मामूली सा किराया देते थे, और आधे से ज्यादा जगह उन्होंने कब्जा की हुई थी यहाँ, या एटलस साइकिल और वो उनसे भी बहुत मामूली सा किराया यहाँ पर आता था, ग्रांट नहीं मिलती थी, अभी ग्रांट अब से मिलनी शुरू हुई 10-12 साल से। तो बहरहाल उसके बाद में ये हुआ कि देखिए यहाँ इधर क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ, मिस्टर विनोद गुप्ता थे उनके दो दो तीन तीन सेशन हुए, पैसा पानी की तरह से गालिब इंस्टीट्यूट में आया, फिर हमने ये जगह खाली हुई, मनमोहन सिंह साहब ने इसको जगह खाली कराया, फिर लाखों कई कई लाख रुपए किराया यहाँ से आना शुरू हुआ। तो उनका जो दौर था बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना हिंदी में स्वर्ण युग, वो था, हर तरफ से पैसा बरसता था। उनके जाने के बाद फिर दिक्कतें आई यहाँ पर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। एक वाकया रहमान साहब और था कि जब उन्होंने अपना मकान वहाँ का शेरसराय का फरोख्त किया 9.5 लाख रुपए में, 10.5 लाख रुपए में वो फरोख्त किया था, और उसमें 50-50, 100-100 के बंडल थे सारे, हम लोग वहाँ से लेकर के आए, तो शाहिद साहब ने मुझे एक कार, सरदार जी उसको चला रहे थे, उस कार में बिठा दिया और नोट सारे उसी के अंदर थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुँचे ताज इनक्लेव, और आकर के वो जब वहाँ गिने तब भी 3-4 घंटे लगे, यहाँ आने के बाद भी 3-4 घंटे, गिनने के बाद में वो पेमेंट की उनको, कोई महबूब साहब थे यहाँ पे, महबूब साहब ने वो पैसा लेने के बाद में उनको फ्लैट देने से इनकार कर दिया, भाई मैं फ्लैट नहीं दूंगा, कुछ ज्यादा पैसे मिल रहे थे 50,000 ये कितना था, उन्होंने उनके उनसे कहा कि भाई आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, बड़ा मसला हो गया था उस वक्त। मैं चंडीगढ़ था, ये 1995 की बात है मेरे खास से,
उन्होंने मुझे फोन किया कि दरीज तुम यहाँ हो, इस तरह का मसला है और फौरन चले आओ तुम। मैं उसी दिन रात को यहाँ चल दिया, वापस सुबह मैं पहुंचा, मुलाकात हुई, कुछ मेरे भी जानने वाले थे उस इलाके के अंदर लोग, मैंने उनको इकट्ठा किया, फिर उनसे बात हुई तो वो बजित थे कि मैं फ्लैट शायद मौलवी साहब को नहीं दूंगा, मुझे तो या तो 50 या 60 हजार रुपये और दिलाओ उसको, पर तब दूंगा वरना नहीं दूंगा। बहरहाल उसके अंदर ताला पड़ा हुआ था उसका, हम लोगों ने रात को उसका ताला तोड़ा और शाह साहब से कहा कि 10-12 हजार रुपये का बोर्ड लाइए खरीद के, बोर्ड खरीदवाए और फिर वहां रखे। मैं 5 या 6 दिन तक उसके अंदर रहा, पूरा कब्जा जब हमने ले लिया उसका, फिर उससे बात की पेमेंट की, तो खैर वो उसी पेमेंट के अंदर वो मकान मिला था। ये भी एक एक वक्त ऐसा आया था बहुत मुश्किल कि वो अल्लाह ने मसला हल कराया था। बहरहाल अब हमारे शायद जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब जो हैं, उनका एक बड़ा पीरियड जो है शायद मौलवी साहब के साथ गुजरा है और उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे शायद साहब से। मैं मेरी और अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली शाख के पहले शाहिद मौलवी साहब जब तक हयात रहे वो सदर थे, अब इकबाल मसूद फारूकी साहब इसके सदर हैं और इनकी सदारत में माशाल्लाह 3-4 तकरीबात हमारे यहाँ बहुत ही मियारी होती है। यौम गालिब है, यौम ज़ौक, उसके अलावा कुछ अमीर खुसरो मेमोरियल लेक्चर, कुछ एक दो लेक्चर हम लोगों ने और कराए हैं, शाम गज़ल प्रोग्राम भी हम लोगों ने मुनक़्क़िद किए हैं। आज का ये प्रोग्राम हम सबकी हमारी मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि इस मरतबा जो था, पहले था खलीक अंजुम साहब का कि भाई उनके लिए तो मुकर्रर का मसला था कि कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बुलाया जाए, तो बहरहाल वो ये तय हुआ कि शाहिद मौलवी साहब की याद में जो है एक जलसा मुनक़्क़िद किया जाए, तो आज वो जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है। मेरी जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब से बहुत ही अदब इहतराम के साथ दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएँ और सदारती कलमात से नवाजें। जनाब इकबाल मसूद फारूकी साहब, माफ कीजिए सदारती कलमात से पहले, शाहिद मौलवी साहब ने अपनी हयात में कुछ किताबें आखिर में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कराई थी और उर्दू में है, तो उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि ये किताबें जो है इसके तकसीम कर दी जाएं, तो हमने उनके जो साहबजादे बैठे हैं इनसे इजाज़त लेकर के उनकी किताबें उर्दू और इंग्लिश में हैं, जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश उसमें उर्दू में हासिल कर लें और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में किताब वो इंग्लिश में ले लें। मनोज आप पहली से हाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अनवान शायद माले हयातक अदबी खदमात है। इस सिलसिले में जनाब अब्दुल रहमान साहब ने तफसीली गुफ्तगु की है, प्रोफेसर सादिक साहब और खुर्शीद आलम ने अपने ख्याल का इजहार किया है। इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका अता इसमें नहीं हो सका है। शायद माले की शख्सियत और जबान अदब के मैदान में इनकी खिदमत से हम सब वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में मेरे ख्याल और जज्बात बिल्कुल वही हैं जो एक दरिदा साबिक हो सकते हैं। गालिबा 1987 में उन्होंने गालिबा इंस्टीट्यूट में अपना सफ़र शुरू किया था। मैं इससे पहले यहाँ बतौर असिस्टेंट अंजाम खिदमत अंजाम दे रहा था। इस तरह तकरीबन 40 साल का अर्सा गालिबा इंस्टीट्यूट और अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली में हमने साथ गुजारा है। इस दरमियान से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं इस अर्से के मुख्तसर वाक़ात को बयान करने लगूँ तो यकीनन कई घंटे दरकार हैं। आज गालिबा इंस्टीट्यूट में जितने प्रोग्राम होते हैं इनमें से ज़्यादातर की दाग पेल इन्हीं की डाली हुई है। ना सिर्फ अलमी व अदबी प्रोग्राम बल्कि इंस्टीट्यूट की मतबूआत के हिसाब में भी इनका किरदार अहम रहा है। इसके अलावा इनका अपना ज़ाती इदारा मेयार था जिसके तहत शाही की गई अक्सर मतबूआत उर्दू जबान व अदब का कीमती सरमाया है। 1987 में गालिबा इंस्टीट्यूट में न सिर्फ माली तौर पर कमज़ोर था जिसकी कुल आमदन तकरीबन 8,500 रुपये महाना थी, बल्कि इदारा इलमी व अदबी मैदान में भी अपने
شناخت بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ 2014 میں جب ہم یہاں سے ریٹائر ہوئے تو نہ صرف ادارے کی آمدن 2 کروڑ روپے سے زیادہ تھی بلکہ ادارے کی بین الاقوامی حیثیت بھی قائم ہو چکی تھی۔ اس کامیابی کے اصول کے لیے جو جدوجہد کی گئی وہ ایک الگ داستان ہے۔ انہوں نے جو خدمات غالب انصاف کے انسٹیٹیوٹ کے لیے انجام دی ہیں، ان خدمات کے سلسلے میں ان کو ادبی خدمات کا انعام دیا جانا چاہیے تھا۔ 2014 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ادب کی خدمات کا سلسلہ ختم نہیں کیا بلکہ اس کے بعد انجمن ترقی دہلی اور نیشنل امرت سوسائٹی کے تحت یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران ان دونوں اداروں نے نہ صرف اپنی سرگرمی میں اضافہ کیا بلکہ انجمن ترقی دہلی کے تحت ایک ماہنامہ جنرل صوبہ اردو کے نام سے جاری کیا گیا، جس کا جگہ جناب کلدیپ نیئر نے پروفیسر شمیم احمد دھنفی اور صدیق الرحمان قطبائی کی موجودگی میں 1914 میں کیا تھا۔ یہ جنرل ایک سال تک جاری رہا۔ اس کا آخری پرچہ 2019 میں شائع ہوا تھا، یعنی ٹھیک 1 سال 1 ماہ بعد یہ جنرل بند ہو گیا تھا اور 2019 میں ہی شاہی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جنرل کے بند ہونے کے کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک انجمن کا مالی مسائل اور دوسرے قارئین کا نہ ہونا ہے۔ 2019 میں جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے ایک روز پہلے میں ان سے ملنے اسپتال گیا تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ ان کے ساتھ رہا تھا۔ اس درمیان بھی ان کو انجمن کے جنرل اور اس کی سرگرمیوں کی فکر تھی۔ حضرات کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت تنگ ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور میں شاہد صاحب کے اہل خانہ خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری درخواست پر اس پروگرام میں شرکت کی۔ رحمان صاحب کا بھی شکریہ، صادق صاحب کا بھی شکریہ اور تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پہ آپ تشریف لائے۔ ہاں بھائی جلدی آ جاؤ، ہاں آ جاؤ۔ حضرات 28 اگست 2019 کو شاہ صاحب سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ میں حج کے فریضے کے لیے گیا ہوا تھا، اس کے بعد جب میں واپس آیا تو جو کھجور اور آب زمزم اور جو دیگر چیزیں تھیں وہ دینے کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے خاص سے 1.5 گھنٹہ میری ان سے ملاقات رہی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پونا میں ایک سیمینار منعقد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پونا اور بمبئی کے درمیان ہم لوگوں کو اقبال مسعود فاروقی صاحب نے یہ خبر دی، وہ علیل تھے، ہاسپٹل میں ملاقات کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد میں اقبال مسعود فاروقی صاحب نے یہ خبر دی کہ اسی طرح سے شاہد صاحب اور میں رہے۔ پونا سے اور یہاں تک کا جو ہم لوگوں کا سفر تھا اتنا مشکل گزرا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو، اور وہ آخری ملاقات تھی شاہد صاحب سے۔ بہرحال لیکن شاہد صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی ہماری رگ رگ میں موجود ہیں، ہماری یادوں میں موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جب تک ہم لوگ ہیں۔ وہ بہت ہی نیک اور میں کیا کہوں کہ اتنے بڑا دل رکھنے والے انسان تھے، ہمیشہ سب کے کام آتے تھے، کوئی بھی ان سے کوئی سب کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، کسی کی سفارش کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا، ہر طرح سے ہر شخص کی مدد، جو بھی ان کے قریب ترین لوگ تھے سب کی بہت مدد کی انہوں نے اور ہمیشہ وہ یاد رہیں گے۔ اب میں آج کے جلسے کے شکریہ کے لیے محترمہ حاجرہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ حاجرہ صاحب جب میں غالب آئی تو شاہد صاحب سے ملی، یہ میری پہلی جاب تھی، انہوں نے ہی مجھے اپوائنٹ کیا تھا اور ایک ہمدرد مخلص اور ایک اچھے منظم انسان تھے۔ ان کی فیصلہ سازی یعنی ڈسیزن میکنگ پاور بہت اچھی تھی، وہ میرے استاد کی حیثیت سے تھے۔ میں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں شاہد ماحول سے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے انجمن ترقی اردو ہند دہلی میں ان کے ساتھ کئی سال کام کیا، وہ اس وقت بیمار اور ریٹائر تھے،
लेकिन उनके काम में कभी रुकावट नहीं आई। इंसान इंसान की पहचान में वो अच्छी तरह इंसान की पहचान वो अच्छी तरह कर लेते थे। किससे कब क्या काम लेना है वो खूब जानते थे। अपनी आंखें दिमाग खुला रखते थे। गालिब इंस्टीट्यूट ने इनके ज़माने में खूब तरक्की की। सेमिनार भी इन्हीं के ज़माने से शुरू हुए। जब वो दिल्ली आए तो वो बताते थे कि उनकी जेब में सिर्फ 12 आने थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने खूब तरक्की की और गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की पोस्ट से सुबहपोश हुए। उनका बचपन यतीमी में गुजरा, उनकी खुपी ने उन्हें पाला। तो मुझे लगता है कि उनकी कुछ तसानीफ में भी किताबों के नाम ऐसे हैं, सुनहरी उदासियाँ, कुछ नहीं होता, शहर खामोश है। ये कुछ मुझे लगता है कि उनकी जो यतीमी का दौर था उस कुछ असरात हैं इन चीज़ों के। उनके ख़ास दोस्तों में मोहतरम सादिक साहब और अतीक साहब हैं। अतीक साहब इस वक्त हाजिर नहीं है, लेकिन वो मेरे उस्ताद रहे हैं। अब मैं आप एक बार फिर आप सब लोगों का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस दौर में इन हालात में हमें अपना कीमती वक्त दिया, इस प्रोग्राम की रौनक बख्शी। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। अब ये चाय का वक्फा है अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली शाख की जानिब से। एक हाइटी का अहतमाम किया गया है। मेरी सभी हजरात से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएँ, आप चाय और जो नौश फरमाएँ, और इतनी देर में जो है इंशाल्लाह ये पूरा स्टेज जो है इसकी तब्दीली होनी है, और जो हमारे जो साजिंदे हैं वो अपने उसको टेस्ट करेंगे अपने इक्विपमेंट्स को। तो 10 मिनट का वक्फा है, 10 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया। भजन जी कहाँ हो? आजा भाई, आजा।